असलम सिक्स क्लास एम यू मैथ टीचर हम ना टूडे इज़ आवर लेक्चर नंबर ट्वेल्व ऑफ मैथमेटिक्स यूनिट नंबर फोटीन मैं एरिया एक्सरसाइज नंबर फोटीन बी ओके क्लास कल हमने क्वेश्चन नंबर वन टू क्वेश्चन नंबर फोर से सॉल्व किए थे आज हम क्वेश्चन नंबर फाइव से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या कह रहे हैं कैलकुलेट दैरामीटर ऑफ द रक्टेंगल हुई आर फिफ्टीन मीटर एंड टीटर रिस्पेक्टिवली फाइंड दि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ ट्वेंटी फाइव पर मीटर अब हमें कह रहे हैं एक रेक्टेंगल है ये मैंने रेक्टेंगल बनाया ठीक है उसकी लेंथ कितनी है फिफ्टीन मीटर और ब्रेथ कितनी है ट्वेल्व मीटर लेंथ फर्स्ट प्लेस पे लिखा है इट्स मीन फर्स्ट वैल्यू लेंथ की है ब्रेथ सेकंड है सेकंड वैल्यू ब्रेथ की होगी ठीक अगर यहाँ पर फिफ्टीन मीटर है तो ये भी फिफ्टीन मीटर है यह ट्वेल्थ मीटर है तो ये भी ट्वेल्व मीटर है नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं फाइंड आउट करें अब पैरीमीटर और एरिया में क्या डिफरेंस होता है एरिया में इनर पोर्शन भी इंक्लूड होता है लेकिन पैरीमीटर में बस क्या होती है हमारे पास बाउंड्री होती है ठीक है ये बस बाउंड्री आती है हमारे पास कह रहे हैं नेक्स्ट कह रहे हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ ट्वेंटी फाइव पर मीटर कह रहे हैं कि हम इस फील्ड को फेंस करने लगे हैं मीन इसके इर्द गिर्द हम बाड़ लगा रहे हैं इसके इर्द गिर्द ठीक है अब कह नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं अगर ट्वेंटी फाइव मीटर के लिए वन मीटर के लिए ट्वेंटी फाइव रुपीज़ रिक्वायर्ड है लेट्स सपोज हमारे पास इतना वन मीटर है ठीक है इतने हिस्से को बाढ़ लगाने के लिए अगर ट्वेंटी फाइव रुपीज़ हैं तो ओवरऑल इसको फील्ड को बाढ़ लगाने के लिए कितने रुपीज़ रिक्वायर्ड होंगे हम क्या करेंगे फर्स्टली इसका पैरीमीटर फाइंड आउट करेंगे और पैरीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे उन रुपीज़ से जितनी वन मीटर के लिए रिक्वायर्ड हैं सोल्यूशन को देखते हैं ओके क्लास सोल्यूशन देखें लेंथ हमारे पास कितनी है फिफ्टीन मीटर ब्रेथ कितनी है ट्वेल्व मीटर हमने पैरामीटर फाइंड आउट करना है उसका क्या फार्मूला आता है टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ टू एज इट इज़ लेंथ की जगह फिफ्टीन मीटर प्लस ब्रेथ कितनी है ट्वेल्थ दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास आंसर क्या आ गया ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन को आप ट्वेंटी सेवन एंड टू दोनों के दरम्या में कोई भी सारे एड्स भी नहीं है दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं ट्वेंटी सेवन को टू से मल्टीप्लाई किया फिर फिफ्टी फोर मीटर यहाँ पर आप साइड पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वन मीटर वन मीटर के लिए कितने रुपीज़ रिक्वायर्ड थे ट्वेंटी फाइव हमें किसके लिए चाहिए फिफ्टी फ़ोर के लिए फ़िफ्टी फोर को बहुत साइड्स पर मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ गया वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज़ रिक्वायर्ड हैं फेंस करने के लिए फ़फ्टी फोर मीटर फील्ड uh, के लिए ठीक है नाउ क्लास क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारे पास लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्ले ग्राउंड आर सिक्स एंड ट्वेंटी रिस्पेक्टिवली है थर्टी सिक्स फर्स्ट प्लेस पे लिखी हुई है ब्रेथ कितनी है ट्वेंटी फाइव मीटर ठीक है ये अगर रेक्टेंगुलर फील्ड है इतनी उसकी लेंथ थर्टी सिक्स है ये भी थर्टी सिक्स है ये ट्वेंटी होगी ये भी ट्वेंटी फाइव होगी नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड ऐट दी रेट ऑफ थ्री पर मीटर स्क्वेयर कह रहे हैं हमने ग्राउंड को लेवल करना है ठीक है लेवल कर रहे हैं तो इनर पोर्शन भी इंक्लूड हो गया ना इनर पोर्शन इंक्लूड हो गया तो इनर पोर्शन हमारा किस में होता है पैरामीटर में या एरिया में एरिया में होता है ना तो हम क्या करेंगे इधर एरिया फाइंड आउट करेंगे ठीक है और कह रहे हैं कि अगर वन मीटर के लिए लट्स पोज ये वन मीटर है इसके लिए हम हमें थ्री रुपीज़ रिक्वायर्ड है तो हमने ओवरऑल ग्राउंड के लिए फाइंड आउट करने हैं ठीक है अब यहाँ पर देखें मीटर के ऊपर स्क्वेयर लिखा हुआ है तो स्क्वेयर हम कब लगाते हैं जब एरिया फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि हम यहाँ पर एरिया फाइंड आउट करेंगे सोल्यूशन को देखते हैं फर्स्टली लेंथ इज इक्वल टू थर्टी सिक्स मीटर ब्रेथ हमारी ट्वेंटी फाइव मीटर नेक्स्ट एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड रेक्टें लेंथ और ब्रेथ डिफरेंट थी ना इट्स मीन वो रेक्टेंगुल रेक्टेंगुलर शेप में है देन को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया आंसर नाइन हंड्रेड मीटर स्क्वेयर एरिया के वजह से ऊपर क्या गया? आ गया यूनिट के ऊपर स्क्यर कॉस्ट ऑफ लेवलिंग वन मीटर स्क्वेयर कितनी थी रुपीज थ्री और हमने किसके लिए चाहिए नाइन हंड्रेड मीटर स्क्वेयर के लिए तो क्या करेंगे नाइन हंड्रेड को बोथ साइड्स में मल्टीप्लाई करेंगे नाइन हंड्रेड को थ्री से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास क्या आ गया ट्वेंटी सेवन हंड्रेड रुपीज़ रिक्वायर्ड है नाइन हंड्रेड मीटर स्क्वेयर प्ले ग्राउंड को लेवल करने के लिए नौ क्लास क्वेश्चन नंबर सेवन है हमारे पास द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग अ स्क्वायर रूम एट रुपीज टू हंड्रेड पर स्क्वायर मीटर इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर रूम इज सिक्स मीटर अगर लेट्स सपोज ये स्क्वायर रूम है स्क्वायर की फोर साइड्स इक्वल होती है ना ये भी सिक्स मीटर ये भी सिक्स ये सब सिक्स मीटर कह रहे हैं कि हमने इसको क्या करना है फ्लोर फ्लोर करना है कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग फ्लोरिंग कर रहे हैं इसकी हम इसका फर्श बना रहे हैं और अगर इतने हिस्से के लिए वन मीटर स्क्वायर के लिए टू हंड्रेड रुपीज़ रिक्वायर्ड है तो टोटल रूम के लिए कितने रुपीज़ रिक्वायर्ड होंगे ये इनर पोर्शन इंक्लूड हो गया ना इट्स मीन यहाँ पर हम क्या फ़ाइंड आउट करेंगे एरिया फ़ाइंड आउट करेंगे सोल्यूशन को देखते हैं लेंथ कितनी थी हमारे पास सिक्स मीटर एरिया ऑफ स्क्र रूम साइड मल्टीप्लाई साइड सिक्स इन टू सिक्स थर्टी सिक्स मीटर स्क्वेयर कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग वन मीटर स्क्वायर रुपीज़ टू हंड्रेड हमें किसके लिए चाहिए थर्टी सिक्स के लिए थर्टी सिक्स को वो साइड्स में मल्टीप्लाई करेंगे थर्टी सिक्स को टू हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रुपीज़ आगे सेवनटी टू हंड्रेड टू हंड्रेड रुपीज़ यहाँ पर आपने मल्टीप्लिकेशन चेक करनी है सेवनटी टू हंड्रेड रुपीज़ रिक्वायर्ड हैं थर्टी सिक्स मीटर स्क्वेयर रूम को रूम की फ्लोरिंग के लिए ओके okay? न क्लास एक्सरसाइज नंबर फोटीन बी हमारी कंप्लीट हो गई है अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर फोर्टीन सी एक्सरसाइज नंबर फोटीन सी स्टार्ट करने से पहले कुछ फार्मूलाज हैं उनको लर्न कर लेते हैं ठीक है ओके क्लास फर्स्ट फार्मूला हमारे पास एरिया ऑफ दॉडर बॉर्डर का एरिया फाइंड आउट करना है अगर ये हमारे पास एक लार्जर रेक्टेंगल है उसके अंदर एक स्मॉलेस्ट रेक्टेंगल है तो ये वाला जितना उसका पोर्शन है वो उसका बॉर्डर बन रहा है ना ठीक है अगर ये बस होगी तो वो तो बाउंड्री होगी यही बॉर्डर हमारे पास आ रहा है बॉर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ लार्जर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ द स्मॉलर रेक्टेंगल इस टोटल लार्जर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे उसमें से ये इनर पोर्शन माइनस करें कर देंगे तो हमारे पास रिमेनिंग यही वाला पोर्शन रह जाएगा ना जो कि उसका बॉर्डर है इसके लिए टू फार्मूलाज हैं इसको ये यो यूज़ करेंगे ये वाला यूज़ करें एरिया ऑफ बॉर्डर इज इक्वल टू आउटर लेंथ मल्टीप्लाई आउटर ब्रेथ एरिया ऑफ लार्जर रेक्टेंगल क्या है आउटर लेंथ मल्टीप्लाई आउटर ब्रेथ माइनस इनर लेंथ मल्टीप्लाई इनर ब्रेथ नेक्स्ट क्या है टोटल एरिया ऑफ फोर वॉल्स उसका क्या फार्मूला है टू हाइट टू इंटू हाइट इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ फर्स्टली लेंथ और ब्रेथ को ऐड करेंगे टू को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे उसके आंसर को लेंथ और ब्रेथ के सम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है नो क्लास क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास फाइंड दी एरिया ऑफ द फोर वॉल्स इन ईच ऑफ दिस रेक्टेंगुलर स्क्वेयर रेक्टेंगुलर रूम हैविंग द फॉलोइंग डायमेंशंस ठीक है डायमेंशनस गिवन है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट गिवन है हमने एरिया ऑफ फोर वॉल्स फाइंड आउट करना है ठीक है सोल्यूशन को तो देखते हैं पार्ट वन है हमारे पास लेंथ कितनी है टेन मीटर ब्रेथ कितनी है फाइव मीटर हाइट कितनी है फोर मीटर एरिया फोर वॉल्स टोटल एरिया फोर वॉल्स का फार्मूला लिखेंगे टू हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ टू हाइट की जगह हाइट की वैल्यू इन टू लेंथ प्लस ब्रेथ ठीक है अब हम क्या करेंगे टू को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे टू फोर जट इन दोनों का सम फाइंड आउट करेंगे टेन प्लस फाइव फिफ्टीन फिफ्टीन को एट से मल्टीप्लाई किया वन ट्वेंटी मीटर स्क्वेयर एरिया की वजह से पावर में स्क्वेयर आ गया नेक्स्ट क्या है लेंथ हमारी एट पॉइंट फाइव ब्रेथ फोर पॉइंट फाइव एंड हाइट थ्री पॉइंट फाइव एरिया फोर वॉल्स टू हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ टू हाइट की जगह हाइट की वैल्यू लेंथ की जगह लेंथ की प्लस ब्रेथ की जगह ब्रेथ की अब टू को सेवन से थ्री पॉइंट फाइव से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर इसकी मल्टीप्लीकेशन देखें टू फाइव ज़ा टेन ज़ीरो वन कैरी टू थ्री ज़ा सिक्स सिक्स और वन सेवन पॉइंट के बाद सिंगल वैल्यू है पॉइंट के बाद सिंगल वैल्यू ठीक अब यहाँ पर देखें यहाँ पर हमने सेवन क्यों नहीं लिखा क्योंकि पॉइंट के बाद जो ज़ीरो होता है उसको हम कंसीडर नहीं करते लेट्स सपोज अगर मेरे पास वन लिखा हुआ है ना तो वन के बाद पॉइंट होता है और इन्फानाइट ज़ीरोज़ होते हैं बहुत ज़्यादा ज़ीरोज़ होते हैं उनको हम कंसीडर नहीं करते अगर टू लिखा हुआ था तो टू के बाद भी पॉइंट होता है और इन्फानाइट ज़ीरोज़ होते हैं अगर जस्ट ज़ीरोज़ हों तो उनको कंसीडर नहीं करते देन इन दोनों वैल्यूज़ का सम फाइंड आउट किया ठीक है फाइव और फाइव टेन ज़ीरो वन कैरी दोनों को ऐड किया थर्टीन और ये पॉइंट एज़ इट इज़ थर्टी इसके बाद जो पॉइंट था वो कंसिडर नहीं करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया नाइन्टी वन मीटर स्क्वेयर नेक्स्ट क्या है हमारे पास लेंथ सिक्स मीटर फिफ्टी सेंटीमीटर मीटर ब्रेथ फाइव मीटर हाइट थ्री मीटर अब यहाँ पर देखें ये वैल्यू मीटर में है ये वैल्यू भी मीटर में है लेकिन ये मीटर और सेंटीमीटर में है फर्स्टली क्या करेंगे इसको भी टोटली totally मीटर में कन्वर्ट करेंगे हमें क्या पता है हमें पता है वन मीटर इज इक्वल टू हंड्रेड सेंटीमीटर हमें किसके लिए चाहिए फिफ्टी सेंटीमीटर को हमने चेंज करना है ना मीटर में तो इसके साथ जो वैल्यू है इसको डिनोमिनेटर में ले आए ये आ गई वन मै वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू वन बाय हंड्रेड मीटर चाहिए किसके लिए फिफ्टी के लिए फ़िफ्टी को बोथ साइड्स में मल्टीप्लाई करेंगे फिफ्टी वन ज़ा फ़ फिफ्टी फिफ्टी टू ज़ा हंड्रेड वन बाई टू मीटर इज इक्वल टू फिफ्टी सेंटीमीटर लेंथ इज इक्वल टू सिक्स मीटर प्लस फिफ्टी सेंटीमीटर किसके इक्वल है वन बाई टू मीटर अब ये इस वैल्यू के फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में वन है इसके डिनोमिनेटर में टू है ये फ्रैक्शन है ये वैल्यू होल नंबर इनको किस तरह से ऐड करते हैं एलसीएम लेते हैं इसके डिनोमिनेटर में वन है उसके डिनोमिनेटर में टू है एलसीएम लिया क्या आ गया टू अब क्या करते हैं सब सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू के लिए एलसीएम को मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट नंबर से टू सिक्स ज ट्वेल्व प्लस फिर एलसीएम को मल्टीप्लाई करते हैं सेकेंड नंबर के साथ टू वन ज टू टू वन ज टू देन वन वन जॉ वन ये हमारे पास क्या आ गया थर्टीन बाय टू एरिया फोर वॉल्स का फार्मूला लिखा टू हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ टू हाइट की जगह हाइट की वैल्यू लिखेंगे लेंथ की जगह लेंथ की प्लस वैसे ही ब्रेथ वैसे ही ओके okay, क्लास देखें टू हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ टू थ्री जिक्स अब ये फ्रैक्शन एड हो रहा है इसके साथ इसके डिनोमिनेटर में मेंटर में वन वैसे ही एल्सियम लिया टू आ गया फर्स्टली फर्स्ट नंबर के साथ एल्सीय को मल्टीप्लाई करेंगे थर्टीन बाय टू के साथ जब एल्शियम वाले टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो टू टू से कैंसिल आउट क्या रह गया हमारे पास थर्टीन प्लस टू को जब फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन दोनों को सम किया ट्वेंटी थ्री इसके डिनोमिनेटर में टू है ये ऊपर नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना इट्स मीन की वैल्यू ऊपर है इसकी कैंसिलेशन कर देंगे टू वन जॉ टू टू थ्री ज़ा सिक्स ये हमारे पास क्या आ गया थ्री थ्री को ट्वेंटी थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया कितना आ गया सिक्सटी नाइन मीटर स्क्वेयर नो क्लास क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास अ रूम इज़ एट मीटर लॉन्ग सिक्स मीटर वाइड थ्री पॉइंट फाइव मीटर हाई ऑफ फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स फोर वॉल्स एट द रेट ऑफ फिफ्टी पर स्क्वेयर मीटर अच्छा फोर वॉल्स को हमने क्या करना है वाइट वॉश करना है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट गिवन है अब वाइट वॉश जब करेंगे वॉल्स को तो वॉल्स का इनर पोर्शन भी तो इंक्लूड होगा उनकी जस्ट बॉर्डर्स पे तो नहीं हम करेंगे बाउंड्री पे तो नहीं कर रहे हम तो इनर पोर्शन को वाइट वॉश कर रहे हैं इट्स मीन अब हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट करेंगे एरिया इसका एरिया ऑफ फोर वॉल्स नौ क्लास इसके सोल्यूशन को देखें लेंथ ब्रेथ एंड हाइट गिवन है एरिया ऑफ फोर वॉल्स लिख लिया टू हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ टू को थ्री पॉइंट फाइव से मल्टीप्लाई अभी हमने उस क्वेश्चन में किया था आंसर क्या है सेवन दोनों को सम किया फोर्टीन सेवन को फोर्टीन से मल्टीप्लाई किया नाइनटी एट मीटर स्क्वेयर नाव कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश फॉर वन मीटर स्क्वेयर के लिए कितनी थी फिफ्टी और हमें किसके लिए चाहिए नाइन्टी एट मीटर स्क्वेयर के लिए नाइन्टी एट को बोथ साइड्स में मल्टीप्लाई करेंगे नाइन्टी एट को फिफ्टी से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आ गया हमारे पास फोर्टी नाइन हंड्रेड फोर्टी नाइन हंड्रेड रुपीज़ रिक्वायर्ड है नाइन्टी एट मीटर स्क्वेयर वॉल्स को वाइट वॉश करने के लिए ठीक है नाव क्लास आज हमने क्या किया है एक्सरसाइज नंबर फोर्टीन बी के क्वेश्चन नंबर फाइव टू सेवन एक्सरसाइज नंबर फोर्टीन सी के क्वेश्चन नंबर वन एंड टू आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से सब क्वेश्चन की और डोजिंग टेबल ऑफ सिक्सटीन एंड सेवनटीन ये लर्न करने हैं ओके बेस्ट ऑफ लक